गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास बीएससी बीएड थर्ड ईयर, सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसके पार्ट नंबर दो की हम बात कर रहे हैं। पार्ट नंबर एक हमने कर लिया, जिसके अंदर हमने प्रकाशिक सक्रियता, समतल ध्रुवित प्रकाश, दूरबीन मापी से संबंधित चर्चा हो गई थी। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है दूरबीन। क्या आता है? दूरबीन, जिसको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पोलराइजेशन कहा जा सकता है। ध्रुवण। ध्रुवण क्या होता है? भी हमारे पास कोई D9 प्लस कोई D9, ये D9 है हमारे पास, ये D9 है। D9 का आकार क्या है? छोटा है। और D9 का आकार क्या है? बड़ा है। ठीक है, होता क्या है, ये D9 इस D9 को विकृत कर देता है। यानी कि जिस प्रकार का था वैसा नहीं रहने देता। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका आकार ये था, D9 का आकार छोटा और D9 का आकार बड़ा होता है, तो D9 जैसे ही D9 के संपर्क में जाता है तो उस D9 के आकार को बदल देता है। उस D9 के आकार में कुछ विकृति उत्पन्न कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? दूरबीन। उसे क्या कहा जाता है? दूरबीन। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है? विकृत D9 प्राप्त हुआ है। विकृत D9 प्राप्त हुआ है। जब कोई D9 किसी D9 के संपर्क में आता है तो वो D9 उस D9 के आकार को विकृत कर देता है। विकृत कैसे करता है? उसको आकर्षित करता है, और आकर्षित करता है तो वो आकर्षण के रूप में उस D9 के पास में आता है। वैसे ही उसका जो आकार है वो विकृत हो जाता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है दूरबीन। इस दूरबीन की प्रक्रिया को किसने बताया था? फायांस नामक साइंटिस्ट था। उसने एक फायांस का नियम, बोल सकते हैं अपने फायांस का नियम दिया था, और उसके अकॉर्डिंग बताया था। चार ही बातें बताई उसने। पहली, D9 का आकार, D9 का आकार। दूसरा उसने बताया D9 का आवेश, D9 का आवेश। तीसरी बात उसने बताई, क्योंकि जो बातें होंगी ना वो D9 और D9 से संबंधित होंगी। अगली बात उसने ये बताई कि D9 का आकार, और अगली बात उसने बताई कि D9 का आवेश। तो फायांस नामक जो साइंटिस्ट था उसने एक अपना नियम दिया, जिसे फायांस का नियम कह सकते अपने। इस फायांस के नियम के अनुसार उसने इस दूरबीन की प्रवृत्ति को बताया। दूरबीन की प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग उसने चार बातें कही कि दूरबीन किस प्रकार होता है, या दूरबीन किस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ D9 है तो D9 के आकार पर भी डिपेंड करेगा, D9 पर कितना आवेश है उस पर भी डिपेंड करेगी बात।
रिनाइन का आकार छोटा है बड़ा है उस पर डिपेंड करेगी, रिनाइन के आवेश पर भी डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले दिनाइन का आकार, अब देखिए दिनाइन का आकार अगर बड़ा कर दिया जाए तो रिनाइन का आकार तो पहले ही बड़ा है, तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित तो करेंगे लेकिन रिनाइन के आकार में इतनी विकृति नहीं कर पाएगा। इसलिए धनायन का आकार जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा विकृति होगी। तो धनायन का आकार कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और छोटा होगा तो दुर्वण क्या होगा? अधिक होगा। छोटा होगा तो दुर्वण क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो जितना छोटा आकार उतना ही दुर्वण अधिक होगा। फिर उस पर, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं धनायन के आवेश की, कि धनायन का आवेश जितना ज़्यादा होगा तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि आवेश की मात्रा अधिक होनी चाहिए या आवेश की संख्या अधिक होनी चाहिए। संख्या अधिक होगी तो दुर्वण भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। संख्या अधिक हो जाएगी तो दुर्वण भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। फिर उसके बाद में रिनाइन का आकार, रिनाइन का आकार कैसा होना चाहिए? अब यहाँ पर रिनाइन का आकार अगर हम छोटा कर देंगे, धनाइन का आकार छोटा है ये, रिनाइन का आकार भी छोटा कर देंगे तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित तो कर लेंगे लेकिन आकार में ज़्यादा चेंज हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आकार जितना बड़ा होगा ना उतना ही चेंज हमें दिखाई देगा। तो रिनाइन का आकार क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तो दुर्वण अधिक होगा तभी विकृति अधिक आ सकती है, तभी हमें विकृति दिखाई दे सकती है, तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि दुर्वण हुआ है इसका। रिनाइन का आवेश, रिनाइन पर आवेश की मात्रा अधिक होनी चाहिए या आवेश की संख्या क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, तब भी क्या हो सकता है? दुर्वण अधिक हो सकता है। दुर्वण क्या हो सकता है? अधिक हो सकता है। ये फायंस का जो नियम था या पोलराइजेशन की प्रक्रिया, कि छोटा धनायन बड़े रिनाइन के पास जाता है तो उस बड़े रिनाइन के आकार में विकृति उत्पन्न कर देता है, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है दुर्वण। दुर्वण की प्रक्रिया चार चीज़ों पर डिपेंड करती है, धनायन के आकार पर, रिनाइन के आवेश पर, रिनाइन के आकार पर, रिनाइन के आवेश पर। धनायन का आकार छोटा होगा तो दुर्वण अधिक होगा, धनायन का आवेश की संख्या ज़्यादा होगी दुर्वण अधिक होगा, रिनाइन का आकार बड़ा होगा तो दुर्वण अधिक होगा, रिनाइन पर आवेश की संख्या ज़्यादा होगी तो दुर्वण अधिक होगा। हमें ये चारों पॉइंट इस प्रकार ही करने दें कि ताकि हम ये सोचें कि दुर्वण अधिक हो, ऐसी कंडीशन अपनानी है। तो इसके साथ ही दुर्वण वाला हमारा टॉपिक जो है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुण बोल सकते हैं अपने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकीय गुण। तो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली बात ये है कि चुंबकीय गुणों को पढ़ना है हमें। तो चुंबकीय गुण तो वैसे मेनली अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लो चुंबकीय, तीन ही होते हैं, लेकिन चुंबकीय गुणों को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हमें ये पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहली बात आती है ध्रुव शक्ति। क्या आती है? ध्रुव शक्ति। ध्रुव शक्ति क्या होती है? एक सिंपल सी डेफिनेशन के रूप में कि एक इकाई ध्रुव शक्ति दूसरे ध्रुव शक्ति को या किसी दूसरे ध्रुव को कितने बल से, या एक इकाई ध्रुव शक्ति वायु या निर्वात की प्रेजेंस में दूसरी इकाई ध्रुव शक्ति को एक डाइन बल से
कितना आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, वो क्या हो जाएगी, ध्रुव शक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ध्रुव शक्ति। उसके बाद में दूसरी बात आती है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण एक आपने पढ़ा होगा द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण म्यू बराबर क्यू इंटू में डी, दो ध्रुवों के बीच की दूरी और उन पर लगने वाले आवेश का गुणनफल क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो इसी के अंदर हमारे पास एक टॉपिक, ये द्विध्रुव आघूर्ण इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक हम पढ़ेंगे, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर होता है, एम इंटू में एल के बराबर। एम क्या होती है, ध्रुव शक्ति। क्या होती है, ध्रुव शक्ति, ठीक है। एल क्या होती है, दो ध्रुवों के बीच की दूरी, दो ध्रुवों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, ध्रुव शक्ति और दो ध्रुवों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण के बराबर हो जाएगा। तीसरा आता है चुंबकन की तीव्रता। चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता, और जिसको किससे शो किया जाता है, आई से, और आई बराबर क्या होते हैं, एम बटा में ए, एम बटा ए। इकाई क्षेत्रफल में कितनी ध्रुव शक्ति है वो उसकी क्या हो जाएगी, चुंबकन की तीव्रता हो जाएगी। मान लो मैं इसको L से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी मैं L से मल्टीप्लाई कर दूं, तो I बराबर या चुंबकन की तीव्रता किसके बराबर हो जाएगी, चुंबकन की तीव्रता किसके बराबर हो जाएगी, M इंटू में L, एम इंटू में एल क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना कि चुंबकीय आघूर्ण बटा में क्षेत्रफल इंटू में लंबाई क्या हो जाएगा, आयतन। इकाई आयतन में कितना चुंबकीय आघूर्ण है वो उसकी क्या हो जाएगी, चुंबकन की तीव्रता हो जाएगी। तो ध्रुव शक्ति एक इकाई ध्रुव शक्ति किसी दूसरे ध्रुव शक्ति को वायु या निर्वात में वन डायंगल से कितना प्रतिकर्षित या आकर्षित करती है, चुंबकीय आघूर्ण ध्रुव शक्ति और दो ध्रुवों के बीच की दूरी का मल्टीप्लीकेशन, चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन की तीव्रता आई बराबर एम बटा में ए, चुंबकन की तीव्रता चुंबकीय आघूर्ण बटा में आयतन के बराबर हो सकती है। उसके बाद में आता है गॉस का नियम या कुल चुंबकीय प्रेरण। गॉस का नियम या फिर कुल चुंबकीय प्रेरण, कुल चुंबकीय प्रेरण, गॉस का नियम या कुल चुंबकीय प्रेरण। तो हमारे पास कोई इकाई क्षेत्रफल है, उस इकाई क्षेत्र में कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं, या चुंबकीय बल रेखाओं को कुल चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स भी कह सकते हैं। तो इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो कुल चुंबकीय प्रेरण होता है, और जिसको B से शो किया जाता है, B बराबर H प्लस में 4 पाई I से शो कर सकते हैं हम। अब H से डिवाइड करेंगे तो H से डिवाइड कर दिया, H से डिवाइड कर दिया और H से डिवाइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो B अपॉन में H बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में 4 पाई I अपॉन में H इसके बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गॉस का नियम या कुल चुंबकीय प्रेरण। अब B अपॉन में H जो होता है ना उसको शो किया जाता है P से या रो से, इसको किससे शो किया जाता है, P से या रो से, जो क्या होती है, चुंबकीय पारगम्यता।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? चुंबकीय पारगम्यता। पारगम्यता जिसको P से डिनोट करते हैं और उसका सूत्र होता है B अपॉन में H, यानी कि किसी पदार्थ का इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या और निर्वात में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का जो अनुपात होता है वो चुंबकीय पारगम्यता होता है। ये थी चुंबकीय पारगम्यता। उसके बाद में नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और आता है, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको काई से डिनोट किया जाता है और वन अपॉन में एच के बराबर होती है। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उस पदार्थ के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कितनी संवेदनशील है वो उसकी क्या हो जाएगी? चुंबकीय प्रवृत्ति, या इसको ग्राम प्रवृत्ति से भी डिनोट कर सकते हैं। ग्राम प्रवृत्ति बराबर आयतन प्रवृत्ति, आयतन प्रवृत्ति बटा में घनत्व से डिनोट कर सकते हैं अपने। अब ग्राम प्रवृत्ति का मतलब काई जी से शो करेंगे इसको, आयतन प्रवृत्ति का मतलब काई और बटा में डी, ये ग्राम प्रवृत्ति हो गए। एक होती है मोलर प्रवृत्ति। मोलर प्रवृत्ति को किससे डिनोट करेंगे? काई एम से। वो काई जी इंटू में मोलिकुलर वेट के बराबर हो जाएगी। एम यहाँ पर क्या है? पदार्थ का अणु भार। एम क्या है? पदार्थ का अणु भार। ये हो गया। अब देखो हमारे पास ध्रुव शक्ति, चुंबकीय आघूर्ण, ध्रुव शक्ति इंटू में दो ध्रुवों के बीच की दूरी, चुंबकन की तीव्रता आई बराबर एम बटा में या चुंबकीय आघूर्ण बटा आयतन के बराबर होती है। गोस का नियम या कुल चुंबकीय प्रेरण बी बराबर एच प्लस चार पाई, एच से डिवाइड करेंगे बी अपॉन में एच, वन प्लस चार पाई आई अपॉन में एच। बी अपॉन में एच को पी से डिनोट किया जाता है जो चुंबकीय पारगम्यता होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति काई वन अपॉन में एच, ग्राम प्रवृत्ति आयतन प्रवृत्ति बटा में घनत्व काई जी, ग्राम प्रवृत्ति काई जी, आयतन प्रवृत्ति काई डी और मोलर प्रवृत्ति काई एम काई जी इंटू में एम। ये कुछ जनरल सी बातें थी जो चुंबकीय या गुण को या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की स्टडी करने से पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन थी जो परीक्षा की दृष्टि से भी सही होती हैं, इनको हमें करने की आवश्यकता थी। ये हमने कर लिया। अब हम आगे चर्चा करते हैं, कुछ एक दो करैक्टर और हैं उसके बाद में चुंबकीय गुणों की चर्चा करेंगे। ये वैसे चुंबकीय गुणों के अंदर के टॉपिक हैं, आपके सिलेबस में हैं ये टॉपिक, ऐसे नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं एक नाभिक और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, उस इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के हिसाब से दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक होती है कक्षीय गति और एक होती है चक्रण गति। एक क्या होती है? चक्रण गति। हमने आज तक पढ़ा था कि ये नाभिक जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और उसके चारों ओर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है।
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, वो उसकी क्या होती है, कक्षीय गति होती है। उसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है वो होता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। चक्रण गति, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी दूरी पर भी चक्कर लगाता है, जिसको बोलाता है चक्रण गति। और चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको बोला जाता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, उसको बोला जाता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। ये दो प्रकार की गतियां थी जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं चुंबकीय गुणों की, जिसके अंदर कुछ चुंबकीय क्षेत्र हैं हमारे पास। उन चुंबकीय क्षेत्रों में फर्स्ट नंबर अनुचुंबकीय गुण या अनुचुंबकीय क्षेत्र, प्रतिचुंबकीय गुण, लोहोचुंबकीय गुण। ये तीन गुण जो होते हैं मुख्य होते हैं हमारे पास में, प्रतिचुंबकीय, लोहोचुंबकीय और अनुचुंबकीय गुण। इसको अनुचुंबकत्व भी कह सकते हैं, इसको प्रतिचुंबकत्व भी कह सकते हैं अपने, और इसको लोहोचुंबकत्व भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, अनुचुंबकीय गुण या अनुचुंबकत्व क्या होता है। हमारे पास ये चुंबक है N और S, ये चुंबक के दो ध्रुव। यहाँ पर हमने क्या किया, एक अनुचुंबकीय पदार्थ को रखा, तो चुंबकीय बल रेखाएं इसकी तरफ ऐसे आकर्षित हो जाएंगी, और इस प्रकार आकर्षित होने वाला जो पदार्थ होता है वो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। तो वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं आकर्षित होती हैं, उनके पास से गुजरती हैं, वो पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, और उस गुण को अनुचुंबकीय गुण कहा जाता है। ये जो गुण होता है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा शो किया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा शो किया जाता है। ऐसे अयुग्मित, ऐसे अनुचुंबकीय, ऐसे अनपेड, तो वे पदार्थ जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके अंदर अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। न्यू बराबर नोट इक्वल टू शून्य होता है इनका मान। म्यू यहाँ पर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और द्विध्रुव आघूर्ण का मान कुछ न कुछ होता है, जिसके लिए हम एक फॉर्मूला भी यूज करते हैं, एन प्लस टू। और एन यहाँ पर क्या है, डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अनुचुंबकीय या अनुचुंबकत्व को ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा आता है प्रतिचुंबकीय गुण या प्रतिचुंबकत्व ये क्या होता है, बे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, N
और एस यहाँ रखा। ऐसे रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे दूरी से गुजरने लगती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिकर्षित होने लगती हैं, तो उस पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकीय गुण या प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। तो ये जो गुण पाया जाता है वो युग्मित इलेक्ट्रॉनों में पाया जाता है। युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयर्ड फॉर्म वाले इलेक्ट्रॉन, पी से पेयर्ड, पी से प्रतिचुंबकीय, ये गुण जो होता है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर होता है। इनका जब हमारे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में होते हैं तो उनके अंदर चुंबकीय प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय होती है, प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाता है इनके अंदर। जिनके अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन उनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? प्रतिचुंबकीय, उनके अंदर प्रतिचुंबकीय गुण पाया जाता है। और इनके अंदर म्यू का मान शून्य होता है। म्यू का मान क्या होता है? शून्य होता है। म्यू क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। आप एन बराबर शून्य रख के देखो, शून्य आ जाएगा मान, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होते इनके अंदर, सारे दो दो से दो दो से फिल होते हैं। और फिर उसके बाद में तीसरा आता है लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय। कई बार क्या होता है, जैसे कोई लोहे की कील है उसको हम बार बार चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित करें, उसको बार बार चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने से वो कील भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाती है। उस कील में भी चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, वो कील भी एक चुंबक बन जाती है कुछ टाइम के लिए, तो उस गुण को बोला जाता है लौह चुंबकीय। तो लौह चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जो कई बार क्या होता है कि चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है, इसलिए उस पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अब देखिए, जब हम उस पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करें तो उसके अंदर धीरे धीरे चुंबकीय गुण नष्ट हो सकता है। जिस टेम्परेचर पर वो लौह चुंबकीय गुण जिस टेम्परेचर पर नष्ट हो जाते हैं उसे क्यूरी टेम्परेचर भी कहा जा सकता है। ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था पिछली क्लासों में। तो ये था अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनको फेरोचुंबकीय पदार्थ भी कह सकते हैं हम। लौह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनको फेरोचुंबकीय पदार्थ भी कह सकते हैं अपने, क्योंकि इनमें हम अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र लगाएं तो वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगते हैं, इसलिए इन्हें फेरोचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, फेरोचुंबकीय पदार्थ या लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये अपना ही एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं और उसके अंदर दो ध्रुव अपने उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर उसके साथ कोई लोहे की चीज़ ले जाते हैं तो वो उसको आकर्षित करने लगते हैं और उनके अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं और उनको फेरोचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। फेरोचुंबकीय पदार्थ को अगर गर्म किया जाए तो उनके अंदर वैसे विनिमय युग्मन होता है, तो जैसे ही गर्म किया जाता है तो विनिमय युग्मनों का क्या होने लग जाता है? अयुग्मन होने लग जाता है। और सारे युग्मित जो होते हैं वो अयुग्मित हो जाते हैं और चुंबकत्व का गुण क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और जिस टेम्परेचर पर
उनके अंदर उपस्थित जो चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते।